हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या हैं, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज के दौर में बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डेटा लेती है हमसे, इनपुट लेती है। डेटा भी उसके अंदर हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इनपुट के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ कैलकुलेशंस का डेटा प्रोवाइड किया, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह के थ्रू। कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होता है। अब देखते हैं एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर के। पहला है एफिशिएंसी। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इंसानों के मुकाबले में। बहुत ज़्यादा काम कर सकता है कंप्यूटर, मिलियंस में हम जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर भी एक डिवाइस है। इंसान अगर ख़ुद से कैलकुलेशन करना शुरू कर दे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उससे कम टाइम लगता है, और कंप्यूटर में जब कैलकुलेशंस की जाती हैं तो कैलकुलेटर से भी बहुत कम टाइम लगता है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से कंप्यूटर बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, काम को परफॉर्म करने के लिए। सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, और भी बहुत से काम इसमें बहुत तेज़ी से होते हैं। उसके अलावा रिलायबल है, जो इंसान काम करता है उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी काम इंसान करता है अपने हाथों से, बहुत चांसेस हो सकते हैं कि उसमें गलती हो। और फिर वही बात है कि जब कंप्यूटर काम करता है, एफिशिएंसी भी करता है, तो फिर साथ में रिलायबिलिटी भी होती है। जब काम तेज़ी से हो रहा होता है तो ये नहीं होता कि काम जो है वो सिर्फ तेज़ी से होता जा रहा है और उसके अंदर रिलायबल नहीं है, गलतियाँ बहुत हो रही हैं, गलत काम हो रहा है, बल्कि कंप्यूटर तेज़ तरीन काम को भी रिलायबल तरीके से करता है, जो एरर फ्री होता है। लाखों कैलकुलेशंस वो कर लेता है कंप्यूटर सेकंड के अंदर, सेकंड्स में, और उसमें भी कोई गलती नहीं होती। उसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है स्टोरेज। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हैं। इवन दो के एक बड़े कंप्यूटर में हम तमाम दुनिया की किताबें भी सेव कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर तमाम दुनिया की किताबें भी हम सेव कर सकते हैं एक बड़े कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्ट कॉपी में। फास्ट रिजल्ट्स भी हमें ये प्रोवाइड करता है, जो इसके रिजल्ट्स होते हैं जब हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो इस पर प्रोसेस करता है और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जब इंसान कोई काम करता है तो उसके रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब कंप्यूटर कोई काम करता है तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं।